हेलो फिन फार्मर्स, क्या हालचाल? सब बढ़िया? आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड रिकॉर्ड करते टाइम हमें एग्जैक्टली 3 महीने हो चुके हैं अपनी वो 25,000 वाली रिक तैयार है। हर एपिसोड में मैं यही चीज बोलता हूँ जब भी हम प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं कि एक तरफ हमारी 25,000 वाली रिक और एक तरफ वो लाखों की महंगी महंगी रिक्स। ठीक है, एक स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट मंथ, ठीक है, अगस्त खत्म हो चुका है, आज 1 सितंबर है, तो अगस्त में प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली अच्छी थी प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंग। एंड इस वीडियो में मैं साथ ही साथ एक डाउट भी क्लियर करना चाहता हूँ जो मुझे डिस्कॉर्ड सर्वर पे रिसीव हुआ था। मैं इसको एग्जैक्टली डाउट नहीं कहूँगा, मैं इसको एक कन्फ्यूजन की तरह कहूँगा। एक बार बता भी देता हूँ, मुझे विकेट गेमर की तरफ से चीज़ रिसीव हुई थी, दैट इज एक्स डैग इज नॉट गोइंग वेल, आई गॉट ओनली 10 एक्स डैग फॉर टुडे। एंड विकेट गेमर दो अलग अलग रिग्स यूज कर रहे हैं, वन विद द राइजन 5 3600 एंड वन विद राइजन 5 5600G, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो दो रिग से माइन करते हैं, सिर्फ 10 एक्स टैग रिसीव हुआ। एक तरीके से कि मैं कन्फ्यूजन ही कहूँगा कि बहुत सारे माइनर्स को आती है कि जब आप एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हो एंड सडनली उसकी जो माइनिंग रिवॉर्ड्स है वो ड्रास्टिकली गिर जाते हैं, तो ऐसे सिनेरियोज में क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जस्ट मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो। और हाँ, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर फिनफार्म को पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा था तो अभी ही अभी कर लो, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। तो चलिए अब चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। तो मैंने हमारी 25,000 रिग ब्रेक इवन एक्सेल शीट खोल ली है। अब मैंने एक्सेल शीट खोली, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ मैंने कितने एक्सटैग माइन करे हैं। एग्जैक्टली हमने एक्सटैग माइन करे हैं, दैट इज 688 एक्सटैग। अब आप कहोगे 688 एक्सडैग, ठीक है 413 एक्सडैग से ज़्यादा है, बट अभी भी हमारे फर्स्ट मंथ के कंपैरिजन में हाफ से भी कम है। मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा बाद में आ रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जुलाई अगस्त, ओके ठीक है। अब एक बार मैं इसका प्राइस चार्ट खोल रहा हूँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम एक्सडैग का भी प्राइस देखें तो एक्सडैग का प्राइस ना ड्रास्टिकली रिड्यूस ही होता जा रहा था। ठीक है, जब हमने माइनिंग स्टार्ट करी थी तब ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.02 था, ठीक है, एंड अब माइनिंग हमने 3 महीने हो चुके हैं तो ऑलमोस्ट 50% से गिर चुका है 0.09। तो एक फैक्टर ये भी है कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गई, क्योंकि उसका प्राइस 50% से गिर गया। तो अगर मेरे रिवॉर्ड्स कॉन्स्टेंट रहते हैं तो डायरेक्टली मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 50% से गिर चुकी है। ठीक है, रिवॉर्ड्स आपके फ्लक्चुएट करते रहते हैं, वो तो मैंने जस्ट एक अजम्पशन लिया है कि मेरा रिवॉर्ड्स हैं हर महीने सेम रहते तो प्राइस इतना गिर गया है तो मेरे भी रिवॉर्ड्स 50% से गिर गए। ओके, तो अभी हम एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी इसका प्राइस चल रहा है 0.0098, मैं सीधा होता हूँ कैलकुलेटर, 688 × 0.0098 तो आपका हुआ $6.74। अभी 86 चल रहा है तो 579 का इसने रेवेन्यू जनरेट करा। 579.8 है तो मैं इसको 580 ही लिख रहा हूँ, 20 पैसे से कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, तो ये कंज्यूम करता है 65 वॉट्स इंटू में 24। अब यहाँ पर ओहो मैंने गड़बड़ कर दी, 0.06 है, मैंने उसको वॉट्स में कन्वर्ट नहीं करा, 0.065 इंटू में, ये क्या हो रहा है कैलकुलेटर को, स्ट्रेंज एरर वापस से, 0.065 इंटू में आपका 24 आवर्स। अब मैं आपको एक मेन चीज़ बताता हूँ जो मैंने यहाँ पे कह रही कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है एंड 688 एक्सडैग ही क्यों है, क्योंकि लास्ट मंथ जब हमारा प्रीवियस मंथ में मैं रिकॉर्ड करा था तो 413 एक्सडैग इसलिए आए थे क्योंकि हमारी माइनिंग रिग जो थी ऑलमोस्ट 20 दिन बंद थी एंड बाकी के जो 10 दिन चली क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो गर्मी की वजह से मैंने उसे 20 दिन बंद रखा। इवन अगस्त में भी मैं बात करूँ तो अगस्त में भी इस बार दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है, बारिश के नाम पे यहाँ पे मुश्किल से 1 या 2 बारिश हुई है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी एंड ह्यूमिडिटी में मैं अपनी माइनिंग रिग्स रन करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि जब आपकी एयर में मॉइस्चर होता है तो जब वो बार बार अंदर एयर सर्कुलेट हो रही है तो आपके पार्ट्स डैमेज कर सकती है। अगर मैं उसे कैबिनेट में रखता तो शायद मैं रन करता, बट एक बार आपने अपनी रिग को कैबिनेट में रख दिया तो सबसे बड़ा इशू आता है हीट का, ठीक है, तो मुझे अपनी रिग्स को ओवरहीट नहीं करना था एंड मुझे ह्यूमिडिटी से भी प्रोटेक्ट करना था, तो मैंने अपनी रिग्स को वापस से इस मंथ बंद रखा करीबन 2 हफ्ते के लिए, एग्जैक्टली 2 हफ्ते के लिए और कुछ घंटे के लिए। तो मैंने ये मानूंगा कि मैंने 14 डेज के लिए से बंद कर रखा था, बाकी की 17 डेज चल रही थी क्योंकि अगस्त में 31 डेज होते हैं, तो इसने मुझे सिर्फ 17 डेज में ये रेवेन्यू कमा कर दिया, तो इट इज़ नॉट बैड, ठीक है, क्योंकि अगर शायद मैं इसे पूरा मंथ रन करता तो मेरे ऑलमोस्ट
1200 या 1300 के एग्जैक्ट बंदे, तो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया हमारे फर्स्ट वन से। बट जो मेजर डिफरेंस आया है दैट इज़ कि इसका प्राइस गिर गया, ठीक है। तो अगर मेरे वापस से उतनी होती तो प्रॉफिटेबिलिटी मेरी डबल से इंक्रीज हो जाती क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मेरी सेम है। एनी वेज 0.065 × 24 × 6 × 17 6 rupees क्योंकि मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रेट है एंड 17 दिन ये चला, तो 159 मतलब 160 हो गया ये भी। मैं 159 को 160 ही लेकर जा रहा हूँ, तो 580 माइनस 160 दैट इज 420। अब हाँ, अगर हमारे प्रॉफिट सेम रहते मतलब प्राइस सेम रहता है एग्जैक्ट का, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे डबल से इंक्रीज हो चुकी होती। प्लस अगर मैं इसे शायद 24/7 रन भी करता पूरे मंथ के लिए, तो मेरा ये जो फिगर है ये 1000+ ही रहता गारंटीड। बट अगर मैं अपनी पहले मंथ की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ दैट इज 1740, तो वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1000। तब भी आपको 70% का एक डिक्रीज मिल रहा है देखा जाए तो, इन दोनों फिगर्स को अगर मैं कंपेयर करूँ तो। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर रिग को किसी और क्रिप्टो करेंसी पे शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मेरे पास दूसरी सीपीयू माइनिंग रिग्स भी है जिसको मैं शिफ्ट करता रहता हूँ डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी कि कभी मैं ज़फायर माइन कर रहा हूँ, कभी मैं रैप्टोरियम माइन कर रहा हूँ, कभी मैं मोनेरो माइन कर रहा हूँ, या फिर कोई और पर्टिकुलर कॉइन। बट ये वाली जो मेरी रिग है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सडैग माइन कर रही है क्योंकि मैंने रिग डिज़ाइन ही एक्सडैग की प्रॉफिटेबिलिटी देखकर करी थी। और एक्सडैग का प्राइस भी तब से ही गिरना शुरू हुआ है जब से MEXC एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, ठीक है। मैंने ये चीज़ पहले भी एक वीडियो में क्लियर करी थी कि MEXC एक्सचेंज पे जो भी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी लिस्ट हुई है एंड जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, हमेशा उसका प्राइस डिक्रीज ही हुआ है क्योंकि MEXC पे काफ़ी एलिगेशन चलते हैं कि भाई वो क्या करता है, फेक टोकन्स क्रिएट करता है, फेक टोकन्स बायर्स पे डंप कर देता है एंड बाद में उनके वॉलेट्स क्रिएट कर देता है एंड बीच में अपना डिफरेंस रख लेता है एज अ प्रॉफिट। तो ये चीज़ मुझे MEXC की पसंद नहीं है अगर वो एक्चुअल में हो रही है, क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों ने उसे डॉक्स कर रखा है इस चीज़ पे। ओके, अब मैं करता हूँ वो डाउट क्लियर जो मुझे विकेट गेमर की साइड से आया था। एंड इवन आई नो बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि आज प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या किसी और क्रिप्टो करेंसी पे शिफ्ट कर ले, मोनेरो, ज़फायर, रैप्टोरियम या फिर समथिंग एल्स। अब ये चीज़ मैं क्लियर करता हूँ कि जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है ये आपकी डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करती है, राइट। आप डेली बेसिस पे जो भी क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हो डेली बेसिस पे आपको कुछ अलग ही रिवॉर्ड्स देगी। अब वो रिवॉर्ड्स अलग अलग क्यों आते हैं, सबसे पहले वो आता है नेटवर्क हैश रेट की वजह से, ठीक है। एक बहुत सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा नेटवर्क हैश रेट होगा उतने कम रिवॉर्ड्स हर एक माइनर को मिलेंगे, लेकिन जितना कम नेटवर्क हैश रेट होगा उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स उतने माइनर्स में बटेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो नेटवर्क हैश रेट की वजह से आ जाती है। अब है क्या, एक्सडैक का जो नेटवर्क हैश रेट है काफ़ी कम है, लाइक 17.11 मेगा हैशेस। अगर मैं अपनी 100 रिग्स भी यहाँ पे डिप्लॉय कर दूँ जो मैंने 25,000 वाली बना रखी है, तो मैं 17.11 से इसको 17.2 या 17.3 तक इसको पुश कर पाऊँगा। मतलब मेरी सिर्फ 100 रिग्स इसके हैश रेट पे इम्पैक्ट डाल रही है, लेकिन अगर मैं वही 100 रिग्स मोनेरो पे डिप्लॉय करता हूँ तो मोनेरो को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका नेटवर्क हैश रेट ऑलरेडी इतना ज़्यादा है कि 100 रिग्स अगर आ भी रही हैं, 100 रिग्स जा भी रही हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके जो मोनेरो में जो रिवॉर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं समवॉट कांस्टेंट रहते हैं। अगर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, लेट सपोज आपको डेली 0.001 मोनेरो मिल रहा है, तो आपका होगा क्या, 0.0009 मिल जाएगा, 0.0011 मिल जाएगा। तो इतना फ्लक्चुएशन चलता है। बट एक्सडैग पे सिंस इसका नेटवर्क हैश रेट कम है, तो जैसे ही एक दिन ज़्यादा माइनर्स आ गए तो आपके रिवॉर्ड्स उस दिन के ड्रॉप कर जाएंगे। बट अगर नेक्स्ट डे वो माइनर्स छोड़ के चले गए तो आपके रिवॉर्ड्स उतने ही पहुँच जाएंगे, एंड अगर उसके भी नेक्स्ट डे और माइनर्स ये नेटवर्क छोड़ के चले गए तो आपका जो रिवॉर्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो मेन नेटवर्क डिफिकल्टी का फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब भी आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हो जिसका नेटवर्क हैश रेट छोटा है, तो इसको पर डे के बेसिस पे मत देखो। इवन अगर आप वीकली बेसिस पे भी देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी, ठीक है लास्ट वीक तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, नेक्स्ट वीक तो मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, वो हो। तो जब भी आप एक्सडैग जैसी क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हो जिनका नेटवर्क हैश रेट छोटा है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप पर मंथ कितना कर रहे हो। अगर आपको पर मंथ ज़्यादा लग रहा है तो एटलीस्ट उसको 15 दिन के टाइम फ्रेम पे देखो कि 15 दिन मेरे पास इतने रिवॉर्ड्स जनरेट हो रहे हैं, नेक्स्ट 15 दिन इतने हो रहे हैं, तो आप फिर वो वाली साइकिल करो कंपेयर कि मुझे इस 15 दिन में 1000 एक्सडैग आए, अगले 15 दिन में 900 आए, ठीक है इतना डिफरेंस चलता है। बट अगर आपको 15 दिन में 1000 है, नेक्स्ट 15 दिन में आपको सिर्फ 500 आए, तो वहाँ आपको सोचना चाहिए कि आप मुझे शिफ्ट करना चाहिए नहीं।
अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये असम्पशन इस पे है कि आप एक्सडैग उसी टाइम सेल आउट नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप उसे होल्ड करना चाह रहे हो। क्योंकि होता क्या है, काफ़ी माइनर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पर डे पर प्रॉफिट बुक करना होता है, वो होल्ड नहीं करते। मैं होल्ड करता हूँ, ठीक है, मैं पर डे पर प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ, मैं शायद मंथली बेसिस पर प्रॉफिट बुक कर लूँगा या मंथली बेसिस से ज़्यादा, मतलब मैं डे टू डे या वीकली बेसिस पे, बहुत ही रेयरली होता है कि मैं प्रॉफिट बुक कराऊँ। जैसे मैंने ज़फायर के केस में किया था कि ज़फायर की जब प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, मैंने दो दिन में जितना माइन करा मैंने तीसरे दिन सेल आउट कर दिया, क्योंकि मैं दो दिन में ही अच्छा प्रॉफिट कमा गया था एंड मुझे पता था नेटवर्क हैश रेट उसका बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी एग्जैक्ट जितनी आ गई है, तो मेरा कोई सेंस नहीं बन रहा था कि मैं अब वापस से ज़फायर माइन करूँ। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट पे जो आपके एस्टिमेटेड रिवॉर्ड्स हैं लाइक 35 एंड अभी 28, तो 7 एग्जैक्ट का डिफरेंस आ गया। लेकिन जब आप इसे मंथली बेसिस पे देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक एवरेज फिगर पता चल जाता है, एंड आप एवरेज फिगर को ही हमेशा नोट करो, डेली बेसिस पे मत करो। अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो तो सिर्फ आप अपना मेन पर्पस ये रखो कि मुझे फिर डेली बेसिस पे अपने प्रॉफिट बुक करने हैं, तभी फायदा है कि आप डेली बेसिस पे अपने कॉइन शिफ्ट कर रहे हो कि आज आप मोनेरो कर रहे हो, कल एक्सडैक फिर ज़फायर प्रॉफिटेबल हो गया, आपने ज़फायर पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन अगर आपका मेन एम नहीं है कि आपको डेली प्रॉफिट्स बुक करने हैं, इवन अगर आप मंथली प्रॉफिट्स भी बुक करना चाह रहे हो, तो ये गलती मत करना कि आप डेली अलग अलग क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हो। एट दी एंड जाके उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, जितना प्रॉफिट आपको हो जाएगा कि आप एक महीने एक ही क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहे हो, ठीक है, एंड उसको फिर जाके सेल आउट कर रहे हो। एंड अगर मैं एक्सडैक की प्राइस की बात करूँ, मुझे एक्सडैक के प्राइस से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे पता है प्रोजेक्ट काफ़ी एक्टिवली डेवलप हो रहा है। इवन अभी इसके नए वॉलेट्स आए हैं, मेन नेट अपग्रेड भी आने वाला है, एंड इवन इन्होंने एक फुटबॉल टीम को भी स्पॉन्सर किया था। तो जब तक एक प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट्स चल रही होती है, तो मेरा ऐसे मेन टारगेट नहीं रहता कि मुझे अभी की अभी प्रॉफिट बुक करना है। इनकी टीम टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड पर भी काफ़ी एक्टिव है, तो इट्स ओके, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, फिन फार्मर्स, अब एक चीज़ और, अगर आप कॉइनएक्स एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाते हो, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स है, तो आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर। जो भी पैसा आप ट्रेडिंग फीस में बचा रहे हो, आप ही के प्रॉफिट्स में ऐड होगा। ऑलराइट फिन फार्मर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब नेक्स्ट मंथ एक और प्रॉफिटेबिलिटी वीडियो बनाएंगे, एंड मुझे नेक्स्ट मंथ के प्रॉफिटेबिलिटी में काफी ज्यादा डाउट्स हो रहे हैं, क्योंकि बिटमेन अपने रैंडम एक्स एल्गोरिथम बेस्ड माइनर्स लॉन्च करा है, तो उससे भी डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी इंपैक्ट आ सकता है। तो अगले महीने देखते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जो कि मुझे हाईली डाउटफुल लग रहा है, या फिर डिक्रीज हो रही है। अब वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो बिना लाइक करे वगैरह नहीं जाना है, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।